नमस्कार। आज का वीडियो जवाहरलाल नेहरू की लिखी किताब विश्व इतिहास की झलक के एक पत्र पर आधारित है। इसका शीर्षक है विज्ञान के बढ़ते कदम। यह लेख न केवल नेहरू जी की विद्वता दर्शाता है बल्कि अपने पाठकों का और इस वीडियो के दर्शकों और श्रोताओं का भी ज्ञानवर्धन करता है। इस पत्र में नेहरू जी ज्ञान के असीम भंडार और स्पेशलाइजेशन की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं और फिर आइंस्टाइन की चर्चा करते हैं जो ऐसे संकीर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठकर मानवीय ज्ञान को समग्रता से देखते थे। आइंस्टाइन के अभूतपूर्व कार्य, विशेष रूप से थियोरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और सूर्य ग्रहण के दौरान इसकी प्रायोगिक पुष्टि को सरल भाषा में समझाते हैं। इसके बाद नेहरू जी सूक्ष्म जगत के परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे कणों की जटिलता का विवरण देते हैं। इतने सूक्ष्म होने के बावजूद परमाणु के विभाजन जैसी वैज्ञानिक प्रगति भौतिक जगत के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में सहायक रही है। अंत में नेहरू जी ब्रह्मांड के पैमाने और अंतरिक्ष की विशाल दूरियों पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति हमारी धारणाओं को कितना बदल सकती है। नेहरू जी का ये संक्षिप्त आलेख हमें यह बताता है कि दुनिया को बेहतर समझने में और हमारे जीवन में बदलाव लाने में विज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। तो आइए सुनते हैं नेहरू जी क्या लिखते हैं। ज्ञान का क्षेत्र इतना बड़ा है कि किसी भी कर्मचारी को अपने सीमित क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना पड़ता है। अक्सर ज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा है वो इस बात से अनभिज्ञ होता है और इस प्रकार हालांकि कुछ विषयों में उसे महारत हासिल होती है, कई अन्य विषयों के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। उसके लिए मनुष्य की सभी गतिविधियों को समझदारी की नज़र से देखना कठिन हो जाता है। उसे पुराने समय के अर्थों में सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। निसंदेह ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने संकीर्ण ज्ञान से ऊपर उठकर स्वयं विशेषज्ञ होते हुए भी व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। युद्ध और अन्य मानवीय परेशानियों के बावजूद ये लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं और पिछले 15 सालों में उन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस समय के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन माने जाते हैं। वे एक जर्मन यहूदी हैं जिन्हें हिटलर सरकार ने जर्मनी से बाहर निकाल दिया क्योंकि हिटलर को यहूदी पसंद नहीं थे। आइंस्टाइन ने गणित की जटिल गणनाओं से पूरी ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाले भौतिक विज्ञान के कुछ नए मौलिक नियमों की खोज की, जिनकी वजह से न्यूटन के उन नियमों में बदलाव करना पड़ा जो 200 वर्षों तक बिना किसी सवाल के सबको स्वीकार्य थे। आइंस्टाइन के सिद्धांतों की पुष्टि बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुई। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है और इसका परीक्षण सूर्य ग्रहण के दौरान किया जा सकता है। जब ऐसा एक सूर्य ग्रहण हुआ तो ये पाया गया कि प्रकाश किरणें उसी तरह व्यवहार कर रही हैं जैसा आइंस्टाइन ने बताया था और इस तरह गणित द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की वास्तविक प्रयोग से पुष्टि हो गई। मैं आपको यह सिद्धांत समझाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत जटिल है। इसे सापेक्षता का सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। आइंस्टाइन ने पाया कि ब्रह्मांड को समझने के लिए समय और अंतरिक्ष यानी टाइम और स्पेस के आइडियाज को अलग अलग लागू नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने दोनों को खारिज किया और एक नया आइडिया सामने रखा जिसमें दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह स्पेस और टाइम का आइडिया था। आइंस्टाइन ब्रह्मांड के सिद्धांतों का अन्वेषण कर रहे थे तो दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक अत्यंत सूक्ष्म जगत की जानकारी जुटाने में लगे थे। एक पिन की नोक के बारे में सोचो, उतनी छोटी चीज जितनी आप बिना किसी उपकरण के अपनी आंखों से देख सकते हैं। वैज्ञानिक तरीकों से सिद्ध हो चुका है कि यह पिन की नोक एक तरह से अपने आप में ब्रह्मांड की तरह है। इसमें अणु एक दूसरे के चारों तरफ मंडराते रहते हैं और प्रत्येक अणु में परमाणु होते हैं और वो भी एक दूसरे को छुए बिना चक्कर लगाते रहते हैं और प्रत्येक परमाणु में बड़ी संख्या में विद्युत कण या आवेश हैं या वो जो भी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो निरंतर और अत्यधिक तेजी से गतिमान रहते हैं। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन और डेंट्रॉन और भी छोटे होते हैं और ऐसा अनुमान है कि एक पॉजिट्रॉन का औसत जीवन एक सेकेंड के लगभग 1,000 मिलियन हिस्से के बराबर होता है। यह सब बहुत ही छोटे पैमाने पर अंतरिक्ष में चक्कर लगाते ग्रहों और तारों की प्रतिकृति के समान है। याद रहे कि अणु इतना छोटा होता है कि इसे सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। जहां तक परमाणु और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात है उनकी कल्पना करना भी कठिन है। और फिर भी वैज्ञानिक तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है
कि इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी जानकारी एकत्र की गई है और हाल ही में परमाणु को विभाजित भी किया गया। विज्ञान के नवीनतम सिद्धांतों पर विचार करते समय दिमाग चकरा जाता है और उनकी तारीफ करना कठिन हो जाता है। अब मैं तुम्हें इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात बताऊंगा। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी, जो हमें इतनी बड़ी लगती है, सूर्य का एक छोटा सा ग्रह है और हमारा सूर्य भी अत्यंत ही महत्वहीन नन्हा सा तारा है। संपूर्ण सौर मंडल अंतरिक्ष के महासागर में एक बूंद के समान है। ब्रह्मांड में दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि इसके कुछ भागों में प्रकाश को हम तक पहुंचने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए जब रात में हम कोई तारा देखते हैं तो हमें उसका वर्तमान स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि हमें उस समय का रूप दिखता है जब प्रकाश की किरण, जो हम तक अब पहुंच रही है, उसने अपनी लंबी यात्रा शुरू की होगी। हो सकता है उसने अपनी यात्रा सैकड़ों या हजारों वर्ष पहले शुरू की हो। इसके बाद नेहरू जी विज्ञान की अन्य शाखाओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और यूजेनिक्स में भी हो रही खोजों के विषय में बताते हैं और पश्चिम में हो रहे अन्य आधुनिक प्रयोगों व आविष्कारों के विषय में बताते हैं। और फिर वह पुरानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तुलना वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिक खोज की विशेषता यह है कि इसमें अमूर्त अवधारणाओं की अस्पष्ट चर्चा होती है और उनकी सच्चाई का परीक्षण करने का कोई साधन नहीं होता। दूसरी तरफ वैज्ञानिक प्रगति में मामूली प्रतीत होने वाले तथ्यों की भी सावधानी से जांच की जाती है और उनसे महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जाते हैं। नेहरू विज्ञान की तर्कसंगतता और विनम्रता पर प्रकाश डालते हैं। वे मानते हैं कि विज्ञान कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन ज्ञान को आगे बढ़ाने में और जीवन को समझने के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेहरू जी के शब्दों में, एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह कितना कम जानता है और मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है कि वह सब कुछ जानता है। और यही विज्ञान के साथ भी है। वह जितना अधिक आगे बढ़ता है वह उतना ही कम कट्टर होता जाता है और प्रश्नों के उत्तर देने में वह उतना ही अधिक झिझकता है। एडिंगटन कहते हैं, विज्ञान की प्रगति उन प्रश्नों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए जिनका हम उत्तर दे सकते हैं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि हम कितने प्रश्न पूछ सकते हैं। शायद ऐसा ही है, लेकिन फिर भी विज्ञान अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है और हमें जीवन को समझने में मदद करता है और हमें सक्षम बनाता है। हम इसका लाभ उठा सकते हैं एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए, जिसकी दिशा एक सार्थक उद्देश्य की तरफ हो। विज्ञान जीवन के अंधेरे कोनों को रोशन करता है और हमें बेवजह के भ्रम में उलझने के बजाय जीवन की वास्तविकता दिखाता है। और इस प्रकार नेहरू जी लोगों को भ्रम में जीने के बजाय जीवन की वास्तविकताओं के आधार पर उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का आग्रह करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नेहरू जी के ऐसे ही प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक संदेश लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।